वैसे भाई लोग, आईकू नियो 7 प्रो वर्सेस पोको F5, जी हाँ, इन दोनों डिवाइसों के बीच पर आज अपन BGMI गेम प्ले कंपैरिजन करेंगे। सो पोको F5 स्मूथ पर 90 FPS से लेकर HDR में एक्सट्रीम और आगे अल्ट्रा HDR सपोर्ट करता है। तो मैंने इस डिवाइस के ग्राफिक्स को स्मूथ पर 90 FPS करके कलरफुल 4x करके सेव किया। यहाँ से आगे नियो 7 प्रो, जी हाँ, ये भी डिवाइस सेम टू सेम वैसे ही ग्राफिक्स को सपोर्ट करता है, जी हाँ, अल्ट्रा HDR तक। और डिवाइस के मेन ग्राफिक्स स्मूथ पर 90 FPS रहेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं पोको F5 का गेम प्ले, देन नेक्स्ट नियो 7 प्रो। वैसे भाई लोग, मैं करने वाला हूँ 30K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पर 3 गिवअवेज, जिस पर नंबर 1 iPhone 11 128GB, सेकेंड गिवअवे पोको X5 6 128GB। ध्यान रहे, सेकेंड गिव अवे ओनली मेंबर्स के लिए है, एंड थर्ड गिव अवे 5 RP विनर, जिसके रूल्स आपको डिस्प्ले पर नजर आ रहे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वैसे भाई लोग, पोको F5 को लेकर मैं आ गया ज़ॉम्बीज़ों के इस खतरनाक इलाके पर, और मेरे साथ ही साथ 2-3 स्क्वाड आ गए यहाँ पर। गन DP और उसके साथ PP, जी हाँ, सटीक जोड़ा। और सामने की ओर पर एक बंदा था, ये डैमेज नॉक, यहाँ से आगे बंदा फिनिश। सो पोको F5 की परफॉर्मेंस BGMI के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि डिवाइस पर आपको Snapdragon 7+Gen2 का 5G चिपसेट मिलता है, जिसका एमपीटी स्कोर 1.1 मिलियन के आसपास आता है, मतलब 11 लाख। यहाँ पर दो बंदे नॉक फिनिश। वैसे डिवाइस की परफॉर्मेंस का राज, जी हाँ, इस पर आपको LPDDR5 RAM के साथ UFS स्टोरेज 3.1 का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर एक और बंदा नॉक फिनिश। इस बंदे की पेटी बनाने के बाद मुझे बड़ी दूर से एक बोट तकनीक लाता हुआ दिखा, ये नॉक। यहाँ से आगे बोट की पेटी मेरे हिसाब किताब से ऑटोमेटिक बन जाएगी। सो ये वाली बंदे की पेटी लूटने के बाद गजब सीन, स्पेशल कैंपर। ये कैंपर डैमेज नहीं हुआ, मतलब थोड़ा सा हुआ था बस। यहाँ से आगे जाता हूँ, एक बोट आया, ये नॉक, गजब सीन, चोर बंदा। अरे बेटे, मैंने बड़ी मेहनत से बोट पकड़ा था, इसने पेटी बना दिया उसकी। हाल फिलहाल कोई भी समस्या है नहीं, क्योंकि डिवाइस की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसके चलते 10-12 किल एक्स्ट्रा निकाल लूँगा मैं। और यहाँ पर एक बंदा, गजब सीन, इस कैंपर ने पलक झपकते बराबर हमारे भाई की पेटी बना दिया। इसके ऊपर बम फेंकता हूँ, यहाँ पर एक कैंपर फूटेगा, जी हाँ, ये कैंपर ब्लास्ट। कैंपर की पेटी बनाने के बाद ये दूसरा बंदा हील अप कर रहा था, ये नॉक फिनिश, ये दूसरा बंदा फिनिश। वैसे कमेंट सेक्शन पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे पोको F5 बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है करके, लेकिन मेरे पास बेस्ट वेरिएंट है 8GB रैम वाला, वो डिवाइस तो लैग नहीं कर रहा, देखिए कितना शानदार चल रहा है ये। एक कैंपर था यहाँ पर, ये कैंपर सीधे फिनिश। सो माफ कीजिएगा, हमारे एडिटर भाई शायद रात के नशे में थे, जी हाँ, हल्का सा उन्होंने मिस कर दिया, जी हाँ, मतलब हैंड कैम आगे पीछे हो गया। लेकिन भाई साहब, बराबर आपको वही चीज़ नज़र आएगी लेकिन आगे पीछे। लेकिन इसके आगे नियो 7 प्रो पर मिस्टेक वगैरह है नहीं, चलो कोई ना, डिवाइस की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, 90 FPS ग्राफिक के हिसाब से डिवाइस समथिंग 85-90 के बीच पर अपने FPS को प्रोवाइड कर रहे, गजब सीन। अंदर एक और बंदा है, जो कि बड़े हिसाब किताब से लेटा हुआ था, ये नॉक, यहाँ से आगे बंदा फिनिश। सो ये कुछ कहानी थी पोको F5 की। यहाँ से आगे चलते अपन आईकू नियो 7 प्रो की ओर। जी हाँ, डिवाइस को लेकर मैं आ गया ज़ॉम्बीज़ों के इस खतरनाक इलाके पर। सो देखिए, ज़ॉम्बीज़ खतरनाक, उसके बाद बंदे और ज़्यादा खतरनाक, भाई मज़ा आएगा आपको। वैसे भाई लोग, डिवाइस पर आपको Snapdragon 8+Gen1 का 5G चिपसेट मिलता है, जिसकी परफॉर्मेंस डिवाइस के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी है। हाल फिलहाल यहाँ पर एक कैंपर था,
ये कैंपर नॉक फिनिश। इस कैंपर की पेटी बनाने के बाद मैं आगे आया। यहाँ पर भी बंदे, मतलब कैंपर गजब सीन, दो दो कैंपर, ये दोनों नॉक। और यहाँ से आगे ये दोनों कैंपर सीधे फिनिश। सो नियो 7 प्रो का अंतुतु स्कोर समथिंग 1.3 मिलियन सुपर आता है, मतलब 13 लाख। सामने की ओर पर एक बंदा दिखा, ये नॉक। यहाँ से आगे जाता हूँ। सो इस डिवाइस पर आपको LPDDR5 रैम, उसके साथ UFS स्टोरेज 3.1 का सपोर्ट मिलता है, जिसके चलते डिवाइस की रीड राइट की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। गजब सीन, दो दो बंदे, एक बंदा डैमेज और यहाँ पर दूसरे बंदे ने मुझको डैमेज मारा। फिलहाल पीछे की ओर से एक बंदा आया था, वो नॉक फिनिश। बंदे की पेटी बनाने के बाद सामने वाला बंदा भागा। जी हाँ, तो मैं भी भागता हूँ। जी हाँ, बंदे के पीछे। ये रहा नॉक वाला बंदा, उसके सामने जिंदा बंदा, ये नॉक। नॉक वाला बंदा फिनिश, वो जिंदा बंदा, वो भी फिनिश। हाल फिलहाल नियो 7 प्रो की परफॉर्मेंस BGMI के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी है। डिवाइस पर भाई साहब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ इस गेम प्ले को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन डिवाइस पर रेंडर वगैरह की समस्या आई नहीं, और ना ही डिवाइस ज़्यादा हीट हो रहा है। वैसे ये डिवाइस Amazon की सेल ग्रेट इंडियन फेस्टिवल पर समथिंग 35,000 रुपीज़ के आसपास आ रहा है, 12 GB रैम वाला, और वहीं 8 GB रैम वाला 31,000 के आसपास। गजब सीन, बोट बंदे को मार रहा था, बोट भी फिनिश, बंदा भी फिनिश। यहाँ से आगे आप पूछोगे कि मुझको कौन सा डिवाइस लेना चाहिए। जी हाँ, तो मैं आपको बता दूँ, Snapdragon 7 Plus Gen 2, Snapdragon 8 Plus Gen 1 से काफ़ी पीछे, लेकिन Poco F5 जिस प्राइस रेंज पर आता है, उस प्राइस रेंज पर आपको ऐसी परफॉर्मेंस कोई भी डिवाइस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। जी हाँ, और ना ही ऐसा फायर रेट। तो आप लोग कम बजट पर Poco F5 ले सकते हो, लेकिन भाई साहब इट्स योर ओन रिस्क, क्योंकि Poco की X सीरीज पर मदरबोर्ड की प्रॉब्लम आती है, लेकिन भाई साहब Poco की F सीरीज पर अभी तक प्रॉब्लम नहीं आई है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूँ, गजब सीन कैंपर, Poco F1, Poco F4, देन नेक्स्ट Poco F5। जी हाँ, तो Poco के इन डिवाइसों पर अभी तक प्रॉब्लम वगैरह आई नहीं है। सो बिना रिस्क के आप iQOO Neo 7 Pro को परचेस कर सकते हो। हाल फिलहाल मैंने दोनों ही डिवाइसों पर आपको हैंडकैम के साथ BGMI गेम प्ले टेस्ट करके दिखाया, विद स्मूथ प्लस 90 FPS ग्राफिक के साथ। सामने की ओर पर एक बंदा था, वो नॉक, दूसरी तरफ पेटी थी। सो इन दोनों डिवाइसों की परफॉर्मेंस BGMI के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।